दार्जिलिङ नगरपालिका चुनावमा अझ एडवर्ड्सको नयाँ पार्टी हाम्रो पार्टीले बाजी मारेपछि विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्ना प्रतिक्रिया व्यक्त गरिरहेको समय दार्जिलिङ भारतीय जनता पार्टीका विधायक निरज जिम्बाले पनि नगरपालिका चुनावको परिणामको सन्दर्भमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चुकेनन्। उनले अझ एडवर्ड्सको हाम्रो पार्टीको विजयलाई उति खासै महत्व नदिएको उनको बयानबाट बुझ्न सकियो। दार्जिलिङ नगरपालिकाको चुनावमा केवल 35,000 मतदाताहरूले आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गरेको अनि यसमा अझ एडवर्ड्सको हाम्रो पार्टीले 15-16,000 भोट पाएर विजयी बनेको बताउँदै सायद दार्जिलिङका नगरवासीहरूले अझ एडवर्ड्सलाई उनले सक्ने कामको निम्ति चुनेको बताएका छन्। उनले दार्जिलिङको जनता विश्वकै सचेत जनता बताउँदै कसले नगरपालिकाको पानी बाटो आदिको कार्य गर्नुपर्ने हो अनि कसले चाहिँ मुद्दामाथि कार्य गर्नुपर्ने हो सो विषयलाई बुझेर नै दार्जिलिङको नगरपालिका चुनावमा हाम्रो पार्टीको विजयी बनेको व्यङ्ग्य कसै 35,000 जनता भोट दिए पहाडका कित्ता पपुलेसन है 35,000 भोट देने 35,000 क्या पहाडका जनता है। हाँ नगरपालिका के लिए जनता ने चुना सही आदमी को चुना है कैपेसिटी अनुसार कैलिबर अनुसार क्वालिफिकेशन अनुसार चुनता है जनता भी। दार्जिलिंग का जनता तो बहुत चलाक है। हम लोग को चुना है कि दिल्ली में वार्ता करो स्थायी मुद्दा के लिए आप वार्ता करो चर्चा करो परिचर्चा करो और दार्जिलिंग में मूलभूत समस्या टॉयलेट का नाला का झोड़ा का डस्टबिन का है उसके लिए वैसा ही लीडर चुना है और कोई पार्टी नहीं चुना है वो सब इंडिपेंडेंट चुना है एनजीओ वाला चुना है। देखते मेजर पॉलिटिकल पार्टी तो रिजेक्ट हो गया गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जीएनएलए बीजेपी हमारा क्या क्या है प्रजातंत्रिक लेकिन अभी जो इंडिपेंडेंट है वो जीता है ठीक है जनता का वर्डिक को हम सलाम करते हैं लेकिन ये वर्डिक हमेशा नहीं रहेगा ये तो छनभंगुर के लिए काउंटिंग को लेकर कुछ आप लोगों का काउंटिंग के लिए हम लोग का कंप्लेन है। सब कैंडिडेट्स कह रहा है कि काउंटिंग एजेंट बिना ही वो ऑलरेडी वो खुल चुका था हमारा बहुत सारा काउंटिंग एजेंट को वेटिंग रूम से अंदर जाने ही नहीं दिया तब तक जब लोग अंदर घुसे थे तब तो वो बॉक्स खुल चुका था। अब शायद ईवीएम मशीन को हारमोनी समझ के हारमोनियम भी बना सकता है ये राज्य सरकार है कुछ भी कर सकता है। पार्टी की तरफ से कंप्लेन वगैरह किया है क्या? हाँ पार्टी की तरफ से कंप्लेन हुआ है कैंडिडेट की तरफ से कंप्लेन हुआ है एसडीओ साहब को लिखा लेकिन कंप्लेन होने से भी यहाँ पे कुछ नहीं है। पहाड़ में तो आप लोग हीरो है फिर भी ये नगर पालिका में एक भी सीट नहीं आया या ये क्यों आखिर क्यों? पहाड़ में हीरो भी है पहाड़ में हम लोग जीरो भी है लेकिन जीरो जो है वही हीरो बन सकता है। हाँ समय अनुकूल होगा। इतना पुराना पार्टी है 40 साल का जरूरत नहीं किसका फॉल्ट है? नहीं जरूरत नहीं हम तो खड़े हैं तो दो बार एमएलए बने सीट नहीं आता तो बीजेपी का एक भी तो नहीं आया नहीं आएगा नहीं क्यों आएगा क्या अजय एडवर्ड फैक्टर होने के कारण अजय तो खुद हार गया बेचारा। हमारा सहानुभूति है वो खुद हार गया बोला था जिम्बा को बोला था उठ के दिखाओ मैं तो नहीं उठा उठता तो अलग हो जाता लेकिन बेचारा अजय सर हार गया। सहानुभूति है प्रार्थना करेंगे इनके लिए। पिछला जो विधानसभा इस बार वही लगता है कुछ हुआ होगा। इतना अच्छा कैंडिडेट थे गाँव घर में अपना परिवार का आदमी सब वोट किया तभी भी उससे कम दिखाई दे रहा है तो हो सकता है कुछ धांधली हुआ होगा लेकिन डेमोक्रेसी में ठीक है जनता का वर्डिक को सल्यूट करना पड़ेगा। ये वर्डिक म्यूनसिपैलिटी के लिए ये वर्डिक कोई इशू के लिए नहीं है ये वर्डिक कोई बड़ा चीज़ के लिए नहीं है। पहाड़ का स्थायी राजनीतिक समाधान के इस समय में बोलना उचित नहीं समझूंगा लेकिन स्थायी राजनीति के समाधान के लिए बीजेपी भी गंभीर है जेएनएफ भी गंभीर है। हमने कहा था 2 तारीख के बाद हमारा राजनीति का अंत नहीं है शुरुआत है अभी हम दिल्ली मुखी राजनीति करेंगे। थैंक यू।